आज कांग्रेस पार्टी देश भर में हर स्टेट के राजभवन के आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान का जिस तरह सबटा छोड़ा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिस तरह से डिस्टेबलाइज किया जा रहा है उसके प्रोटेस्ट में। यहाँ लद्दाख में हमने मुनासिब नहीं समझा लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजभवन पे जाए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपका दफा 144 लगा हुआ है, लिहाजा हम लोग कांग्रेस दफ्तर में ही एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मकसद थे जिस तरह बीजेपी सरकार हिंदुस्तान का जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से और डेमोक्रेटिक नॉर्म से जो पिछले 70 साल में लोगों ने मेहनत करके इस्टेब्लिश किया है उसको कुचला जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबकि चाहिए था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को कोविड से लड़े, कोविड से लड़ना तो छोड़, वो बिजी थे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में। आज जब कि आपका कोविड का आंकड़ा पिछली अगर 48 घंटे का देखें 80,000 से ऊपर है, बजाय इसके कि सारे एकजुट होके कोविड से लड़े, कोशिश की जा रही है राजस्थान का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करने का। और हैरानी की बात यह है उसके लिए यूज किया जा रहा है आपका गवर्नर के ऑफिस को। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उनका जिम्मा है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना। यहां गवर्नर को यूज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आपका स्कटल करने के लिए, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको आपको स्कटल करने के लिए गवर्नर को यूज किया जा रहा है। दो बार राजस्थान का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग करके, कैबिनेट मीटिंग करके गवर्नर को एडवाइस किया है कि आप असेंबली बुलाओ। गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहां हैरानी की बात यह है गवर्नर कहता मैं नहीं बुलाऊंगा। हो क्या रहा है, गवर्नर इज बीइंग यूज्ड टू गिव टाइम टू अपोजिशन टू फैसिलिटेट हॉस्टेटिंग एमएलए का खरीद फरोख करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को यूज किया जा रहा है। इससे हैरानी की बात क्या हो सकता है, इससे दुखद और क्या हो सकता है, ऐसा हो रहा है इस देश में। तो कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट लड़ेगा और हम कोशिश करेंगे जमहूरियत जिंदा रखें, संविधान को हम जिंदा रखें। बीजेपी तो आते ही हुआ, आप लोगों को मालूम है गोवा में क्या हुआ। गोवा में लोगों ने मैंडेट कांग्रेस को दिया, गवर्नमेंट बनी बीजेपी का। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर ने मैंडेट दिया कांग्रेस को, उस मैंडेट को जब छीन के बीजेपी ने पैसे के दम पे धमकी दे के इंटिमिडेशन के थ्रू अपना सरकार बनाया। तो ये एक बहुत ही दुखद आपका वो चल रहा है देश में। मेरे ख्याल में आने वाले फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ को माफ नहीं करेगा।